बताएंगे जहां विंध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ला की स्मृति में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला शामिल हुए। सांसद जनार्दन मिश्रा सहित हजारों की तादाद में लोक कवियों को सुनने के लिए मौजूद रहे। वहीं कवि सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध कवि अभिनेता और टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा ने अपनी कवियों से समा बांध दिया। कार्यक्रम के दौरान शैलेश लोढ़ा ने वीर रस की कविताओं के साथ कई किस्से भी कहे। इस दौरान अपनी बातों की शुरुआती क्षणों में ही कवि शैलेश लोढ़ा ने रवि बताते चले कि रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को आगामी विधानसभा चुनाव में जीत की शुभकामनाएं दी। पहला चुनाव इंजीनियरिंग कॉलेज में जीता था, वहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं। मैं आपकी इस जिजीविषा को प्रणाम करता हूँ। 1300 कुछ लोगों से आए थे पहला चुनाव यहाँ पर, और उसके बाद आज यहाँ चौथी बार जीत के मंत्री बने। मेरी बस यही दुआ है, मैं अगली बार जब आऊँ रीवा में तब तक आऊँ कि 2 महीने बाद ही चुनाव है, जैसे ही कैबिनेट हुआ उसी में शपथ ले लें। होटल में 2 लोग मिल गए, मैंने कहा प्रोग्राम कितने कहाँ है, दोनों खड़े, ये भी खड़ा है। मैंने कहा प्रोग्राम शुरू हो गया, कैसा चल रहा है? मैंने कहा कितने बजे तक चलेगा? मैंने कहा यार क्यों, एक मिनट रुको ना, अच्छी। मैंने कहा क्या चल रहा है आजकल? स्वच्छ भारत अभियान। आज से पहले आपने कल्पना की थी कि भारत के खिलाफ कोई एक वाक्य बोले और भारत खड़ा होकर दूसरे दिन कनाडा जैसे विकसित देश को कहते अपने राजनायक लेके जाओ यहाँ से 40 के 40, ये नया हिंदुस्तान है। क्या बात, वाह वाह, ये नया हिंदुस्तान है। लेकिन ये मेरे देश के लिए गौरव की बात होती है कि G20 में जब इस देश का प्रधानमंत्री खड़ा होता है तो दुनिया के सबसे बड़े दादा देश अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए पीछे घूम रहा होता है। वाह वाह वाह,